ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयरिंग द लव वर्क पेज नाउ सिक्योरिटी सेटिंग्स विल टेक सम टाइम एंड स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली जॉइनिंग द क्लास। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग द क्लास। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लैब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वीक 13 सेक्शन 6A। आई होप कि आपकी क्लासेज आज की अच्छी चल रही होंगी। हम एक मिनट वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें और फिर हमने जो है प्ले अराउंड करना है बेसिकली विद द फर्स्ट मॉड्यूल, स्पेशली विद द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम। एंड दैट मॉड्यूल इज ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन, जो कि इंग्लिश पैराग्राफ को इक्वेशंस में जो है वो कन्वर्ट करता है, उनकी इक्वेशंस जो है वो बनाता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट भी ज़रा ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो है वो आई होप कि ये लैब वर्क वाला पेज आपको जो है वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने ये करना है कि इसको अपना असाइनमेंट के सोल्यूशन को हमने रन करना है। And that is based on the tracing of the pattern matching module. The pattern matching module की tracing के ऊपर बेस कर रहे हैं और उसका कोड जो है वो हमारे पास जो है इसी लैब वर्क में मौजूद है। उसी कोड को हम जो है वो कॉपी कर लेंगे, उसी कोड का हम जो है वो यूज़ कर लेंगे जी। अच्छा जी, तो जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं ये वाला काम तो हम कर लें जी। ये पैटर्न मैचिंग का कोड है जी, इस कोड को मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। और इसके नीचे मेरा ख्याल कॉल भी गिवन है, तो उस कॉल को भी, यस इस कॉल को भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसे हमने कॉपी कर लिया और इसे हमने जो है ये पेस्ट कर लिया इसमें। अच्छा जी, एक तो यहाँ पे ये मैच का एरर दे रहा है कि मैच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये मैच का जो ये एरर दे रहा है, मैच इज नेम मैच इज नॉट डिफाइंड, ये जो लाइन है ये वाली लाइन एरर दे रही है। ओके, तो दैट इज़ वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है। मैच का फंक्शन जो है वो हम इसमें डाल देते हैं। मैच जो है पैटर्न लेगा, इनपुट लेगा, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा मैच पैटर्न की फंक्शन कॉल पैटर्न डॉट स्प्लिट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। इतनी सी बात है, मैच फंक्शन जो है ये पैटर्न और इनपुट को स्प्लिट करके टोकन्स में जो है ये मैच पैटर्न फंक्शन को पास कर देगा। तो ये फंक्शन जो है ये मैच पैटर्न का असल हमारा फंक्शन है। तो अब हम इसे रन करते हैं। ओके जी, गुड। बाइंडिंग जो है ये बन गई है। हाउएवर वी वांट टू ट्रेस द फंक्शन कोड कि ये कैसे जो है ये आउटपुट जो है ये आ रहा है। तो ट्रेसिंग के लिए हमने जो है जो आपके असाइनमेंट का सलूशन है वो ये तो नहीं है, ये तो आपने खाली कॉल को रन किया है,
और इधर आप देखें लैब वर्क में भी हम आते हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट का सोल्यूशन ही है बेसिकली दैट फाइनल आउटपुट जो है ये नीचे वाले पेज पे ये कॉल हो रही है दैट इज़ द फाइनल आउटपुट, ये जो करंट आउटपुट है जो आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन है वो अगर मैं ओपन करूँ वर्ड का डॉक्यूमेंट या वो जो हमारी लेक्चर नोट्स हैं जो LMS पे अपलोडेड हैं, आपके असाइनमेंट के सोल्यूशन में जो है उसकी ट्रेसिंग है। ठीक है जी, ये मैं ज़रा शेयर करता हूँ। जो लेक्चर नोट्स अपलोड किए हैं वो ज़रा मैं शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये आपका सोल्यूशन है कि आपने ऐसे ट्रेसिंग करनी है। ठीक है ना, तो ये अब ये वाली ट्रेसिंग जो है इसमें सेगमेंट मैच की भी ट्रेसिंग हो रही है जो आज हमने लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया है। ये ट्रेसिंग ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए वी शुड बी राइटिंग सम प्रिंट कमांड्स इन द मैच पैटर्न फंक्शन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने जो है प्रिंट कर देना है पैटर्न को, सॉरी इनपुट को और बाइंडिंग्स को। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे उनके ज़रा नाम भी प्रिंट करते जाएं, P फॉर पैटर्न, I फॉर इनपुट, कॉमा एंड B फॉर बाइंडिंग्स, बी फॉर बाइंडिंग्स का। तो हमने क्या किया कि साथ ही हम चाहते हैं कि प्रिंटिंग भी होती जाए तो ये हम इसको जो है ये प्रिंट कर देते। अच्छा, अभी इसमें मैच सेगमेंट की कॉल नज़र नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे ये मैच सेगमेंट कॉल हुआ, वेरिएबल नेम जो है ये इससे निकल के पास हुआ, ये सारा इनपुट के साथ बाइंड हो गया, तो यही वाली कॉल हम जो है ऊपर भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैच सेगमेंट फंक्शन में इसमें भी हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सिर्फ ये एक आम वो थोड़ा ये करता हूँ कि SP कर देते हैं ताकि ये पता चले कि सेगमेंट मैच का, और इसमें अगर आप चाहें तो फिर ये S फॉर स्टार्ट इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम आप जो है वो स्टार्ट ही है, इधर कंप्लीट नेम है, S नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो SV के नाम का वेरिएबल भी हमने जो किया हुआ था, वेरिएबल का नाम वै, तो यहाँ पे भी हमने जो प्रिंट की स्टेटमेंट लगा दिया कि व्हाट इनपुट इज बीइंग पास टू दैट फंक्शन इन एवरी रिकर्सिव कॉल और डायरेक्ट कॉल। तो ये हमारी बिल्कुल वही ट्रेसिंग आ गई है जो कि उधर स्लाइड में भी शो हुई है, जो कि मैनुअली आपने हैंड रिटन में जो है वो आपने प्रोड्यूस करनी थी। ओके जी, सो आई होप के इसका आंसर जो है आपका आंसर भी इसी तरह से होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल जो है ये हमारा रन हो गया, इसमें कोई जो है वो इशू नहीं है जी। मेरा ख्याल है अब मैं लैब की अटेंडेंस मार्क कर लूँ क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट वाले मॉड्यूल का जो है वो कोड हम जो है वो रन करेंगे जी इंशाल्लाह। ये हमने प्रिंट स्क्रीन किया, और ये हमने जो है इसे सेव कर लिया। यर सेक्शन इज 6A अटेंडेंस। June 8th 11:30 lab number week 13। अच्छा जी, साथ ही मैं जो बाकी नीचे रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रिंट कर लेता हूँ। ओके जी, अटेंडेंस सेव हो गई है, अब हम आगे चलते हैं जी। आई होप यहाँ तक जो है वो सिंपल है, कोई इशू नहीं है। लैब वर्क में चलते हैं जी आगे।
अच्छा जी, इस दौरान ये जो आपके लेक्चर नोट्स हैं इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, लैब वर्क में अब हम आते हैं स्टूडेंट की केस स्टडी के ऊपर जी। उसमें जो सबसे अहम या इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है, जो आउटपुट के लिहाज से फंक्शन है, ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग का कोड जो ऑलरेडी हमने वो कॉपी किया हुआ है, ये टू इक्वेशन स्ट्रिंग, ये वाला फंक्शन हमारा पहला फंक्शन। सारा पहले स्टूडेंट का कोड कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाले एक दो पेजेस मैंने छोड़ दिए हैं। और फिर उसके बाद जो है वन बाय वन एक एक फंक्शन को हम जो है वो अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अच्छा, ये इंपोर्ट वाली लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो कोड पेस्ट किया हुआ है। तो ये मैं माउस पॉइंटर, माउस नहीं है, मैं कीबोर्ड के उससे जरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। टू इक्वेशन स्ट्रिंग, ये वाला कोड, ये वाला फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे अभी। रिप्लेस आइटम का, सब्स्टिट्यूट का, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, इसको भी हम जब कॉल करके देख लेंगे। अच्छा जी, आई होप कि पहला पेज जो है यहाँ तक जो है ये काफ़ी हो गया, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको पाइथन में जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, गुड। अच्छा, ये ऊपर जो कॉल हो रही है ना अभी, अब ट्रेसिंग तो हमने नहीं करनी ना, इस कॉल को वो कमेंट कर देते हैं। और दूसरा, ये जो मैच पैटर्न्स की कॉल्स हो रही हैं, इनमें जो ये हमने प्रिंट की स्टेटमेंट आज इंक्लूड किया है, इसको भी हम जो है ज़रा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दो पेजेस हमने कॉपी करने थे, पहला पेज हमने कॉपी कर लिया, इसी के नीचे ही दूसरा पेज भी हम कॉपी करते हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं है। इस दूसरे पेज में ये हमारा मेन फंक्शन है जी, जिसकी लॉजिक अभी भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कोड के अंदर। और फिर इंशाल्लाह थ्योरी के लेक्चर में से हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, अभी से मैं जो है वर्ड में उसमें पाइथन में जाके पेस्ट करता हूँ। ओके जी, इसे हमने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लिया जी। अच्छा जी, अभी हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ये है कि कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये स्टूडेंट का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका हम जो है वो ओवरव्यू भी लेंगे, जो सेकंड क्लास होगी, ठीक है। ये जो फंक्शन है टू इक्वेशन स्ट्रिंग, ये इक्वेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे एक स्ट्रिंग को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इक्वेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये हम जो डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम जो है स्टूडेंट को कॉल कर लेते हैं। ये सॉल्व वाला मॉड्यूल अभी कमेंट हुआ हुआ है, सॉल्व अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि सॉल्व का कोड अभी हमने इंक्लूड नहीं किया। तो ये जो है मैं स्टूडेंट फंक्शन को जो है मैं कॉल कर लेता हूँ। एंटर स्टेटमेंट का कमांड प्रॉम्प्ट पे इनपुट आ गया है, तो यहाँ पे हम वो कहते थे वो क्या था, व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी फुल स्टॉप इफ जी इज 3। ओके जी, बिस्मिल्लाह करके हमने प्रेस किया एंटर, तो ये देखें ये जो है इस स्टेटमेंट की दो जो है वो इक्वेशंस बनी हैं।
स्टेटमेंट को अगर मैं इधर ऊपर सामने लिख दूँ ना, तो नीचे हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि इस स्टेटमेंट की ये दो इक्वेशंस बनी है, व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी। अब ये जो है ये जिस तरह से हमें इक्वेशंस नज़र आ रही है ना, दैट इज़ वेरी मच रीडेबल। एक्चुअली जो हमारी इक्वेशंस बन रही हैं वो जी एस थ्री, ये इस तरह से इक्वेशन बन रही है, और जो पहली इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको ये हमें जब शो करता है, सिर्फ शो करने के लिए उसको जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। जितनी भी आज हमने कॉल जो हैं वो लिखी हैं, उनको हम जो है वो अभी इक्वेशंस उन सब कॉल्स की जो है वो बना के देखेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो सिर्फ ये वाला फंक्शन लेक्चर नोट्स में अगर हम जाएं कि इक्वेशन को इस लिस्ट ऑफ टोकन्स को, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना, इस रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना, ये जो काम कर रहा है दैट इज ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन। इसको एक नज़र देख लेते हैं, जो इनिशियल पेजेस हमने स्किप किए हैं उसमें इसकी दो चार कॉल दी गई हैं, आप चाहें तो उनको पहले एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है। फंक्शन हमारा डिफाइन हो चुका है, अब ये वाला फंक्शन हमें ऊपर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। टू इक्वेशन स्ट्रिंग सिर्फ ये है कि हम इसकी कॉल जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये सिर्फ प्रिंटिंग से रिलेटेड फंक्शन है, इसका अभी जो मेन हमारा प्रोग्राम है ट्रांसलेट एक्सप्रेशन, उसे भी हम थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम थ्योरी में डिस्कस करें फिर आपको जो है उसकी समझ आ जाए। तो दिस शुड बी, ये इक्वेशन वन, ये पहली एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है। अभी नीचे वाले एग्जांपल को मैं कमेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट प्रोग्राम की कॉल को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये जी पहली इक्वेशन है, ठीक है, वेरिएबल ई को ये लिस्ट ऑफ टोकन। अब देखें इस लिस्ट में तीन ही एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट ए है, दूसरा इक्वल का सिंबल है, तीसरा जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, दैट इज स्लाइटली नेस्टेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, नेस्टेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब उसकी जब वो इक्वेशन बनाएगा तो इस तरह से, ये देखें, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट जो है ये आना चाहिए, ठीक है। ये जब वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो है ये इक्वेशन को सिर्फ हमने प्रिंटिंग उसकी कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट में, दिस फॉर्मेट इज रीडेबल। ये देखें, ये बिल्कुल भाई ये आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री। सिमिलरली अगर हम जो है इधर बी की एक इक्वेशन, एक और इक्वेशन टू ले लें और उसे कॉल करें, ठीक है, तो उसका आंसर जो है ये टोकन्स ख़त्म कर देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा, वही आंसर आ गया जो इधर लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम जो है, अच्छा इस पे अगर आप जो है ये इसकी लेफ्ट साइड पे भी अगर आप कोई एक्सप्रेशन दे देना, ठीक है, जैसे ये मैं दे देता हूँ, ये वाला सारा एक्सप्रेशन जो है मैं इधर लेफ्ट साइड पे ए की जगह पे मैं सारा एक्सप्रेशन इधर दे देता, ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होगी, ये रहेगी लिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स ही, ठीक है। अब जो है ये वाला देखें, ये जो चीज़ है इंटरनली तो ये है ना इक्वेशन, लेकिन ये आपके लिए लिखने में भी, जब आप ट्रेसिंग करते हैं लिखने में भी जो है वो आसान नहीं है, ठीक है। प्रोसेसिंग तो इस फॉर्मेट में होगी, लेकिन जो हमें अंडरस्टैंड करना रीडिंग में भी आसान नहीं है, ये वाली जो लिस्ट ऑफ टोकन्स है, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे, तो इक्वेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने एक लाइन का फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन जो है बनाया हुआ है, ये देखें, ये इसे इस तरह से कन्वर्ट करें। रिकर्सिव इसलिए बनाया हुआ है कि ये हमारा फंक्शन जो है रिकर्सिव इसलिए है कि क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे फर्दर जो है वो नेस्टिंग हो सकती है, फर्दर जो है वो नेस्टिंग हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें वो कर दूँ ना कि ये जो है टू की बजाय ये फाइव माइनस टू है, यहाँ पे फाइव कामा टोकन माइनस टू, ठीक है, ये अगर मैं ऐसे कर दूँ ना
और 2 की बजाय 5 माइनस 2 है, तो इट शुड गो इन साइड इट। यहाँ पे 2 की बजाय फिर 5 माइनस 2 जो है वो आना चाहिए, और वो फिर क्योंकि 5 माइनस 2 पहले हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई और अगर माइनस एक लेवल पे आ जाए ना, तो वो जो है वो मल्टीप्लाई पहले हो जाता है, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है ना, तो हमने माइनस किया है तो उसे जो है पैरेंथेसिस में आना चाहिए, 5 माइनस 2, ये देखिए पैरेंथेसिस में आ गया कि उस मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस को रोकने के लिए। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन बनी हुई है, अब इसमें प्रेसिडेंस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि एक लेवल पे दो ऑपरेटर आएंगे ही नहीं, तो नीचे जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी एक लेवल के दो ऑपरेटर नहीं आएंगे। तो ये हमने जो है, ये चाहे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स नेस्टेड कॉल हो या चाहे ये सिंपल इक्वेशन, आप देखें ये सिंपल लिस्ट ऑफ टोकन्स है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है ना, लिस्ट ऑफ टोकन्स ही है। तो ये सिंपली जो है ये इक्वेशन बन जाए, एवरेज इज इक्वल टू 73। तो ये हमारा एक आउटपुट का फंक्शन है, जो कि हमें जो है वो लिस्ट ऑफ टोकन्स को स्प्लिट का इन्वर्स है बेसिकली, इसे अब जो मर्जी आप पास कर दें ये उसको जो है वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। और ये हमारा फंक्शन जो है ये यहाँ पे ये इसके रूल्स के नीचे जो है ये गिवन है, ठीक है। तो ये जो है ये तीन तीन एलिमेंट्स की जो है वो लिस्ट जो है वो लेता जाता है, ठीक है, जब भी उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग रिटर्न हो जाता है, नेस्टेड प्रोग्राम है जी, नेस्टेड फंक्शन है, ठीक है। अगर वो लिस्ट होती है उसकी कोई एक एलिमेंट भी लिस्ट होता है, तो उसको जो है ये फिर फर्दर जो है वो पैरेंथेसिस में जो है वो इनक्लोज कर देता है, फर्दर पैरेंथेसिस। ये बाइंडिंग लिस्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, टू इक्वेशन स्ट्रिंग या किसी भी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, उसको फ्लैट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन है, कल इंशाल्लाह स्लाइड में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये हमारा मेन फंक्शन है, अभी भी मैं इसे थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, लेकिन स्लाइड में भी और ड्राई रन जब करेंगे तो फिर आपको फुली जो है ये अंडरस्टैंड होगा। तो इसमें पहला पॉइंट जो मैं आपको एलेबरेट करना चाहता हूँ, ये इसी फंक्शन की टू इक्वेशन स्ट्रिंग की देखें, तीन जगह पे कॉल्स नज़र आ रही हैं, सिलेक्ट करते हैं ना तो वो हमें जो है उसकी कॉल दिखा देता है, यहाँ भी कॉल हो रही है, यहाँ भी कॉल हो रही है, यहाँ भी कॉल हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, तीन जगह पे क्यों हम कॉल कर रहे हैं, कि जो लिस्ट ऑफ टोकन्स पास हो रही है ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन को, ठीक है, उसको हमने जो है उधर स्लाइड्स में मे बी आपको जो है लिस्ट ऑफ टोकन्स ही नज़र आए, लेकिन जब आपने ट्रेसिंग करनी है तो आपने इसको ये वाला कोड की ट्रेसिंग करनी है, जो अभी ये कोड दिखा रहा है, ठीक है, कि एक स्ट्रिंग के तौर पे, ना के लिस्ट ऑफ टोकन। क्यों स्ट्रिंग के तौर पे, देखें रूल का पैटर्न, रूल का रिस्पॉन्स, ये जो ऊपर रूल्स के पैटर्न्स हैं, रूल के रिस्पॉन्सेज हैं, ये सारे रूल्स ये हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है, मज़ीद अभी हम इन्हें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ टोकन्स है ना रिस्पांस, ये भी जो है ये लिस्ट ऑफ टोकन है, अभी ये स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ टोकन नहीं है, लेकिन जब ये पैटर्न इधर पास हो रहा है ना, तो ऊपर जो है यहाँ पे वो स्प्लिट की वजह से, यहाँ पे देखें ये पैटर्न जो है ये स्प्लिट की वजह से लिस्ट ऑफ टोकन में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि पैटर्न मैचिंग जो है वो लिस्ट ऑफ टोकन्स लेता है ना, हमारा जो पैटर्न मैचिंग का कोड है। तो हमने जब इधर, आपने जब ट्रेसिंग करनी है, ड्राई रन करना है, तो आपने क्या करना है कि इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना है, इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे लिखना है। स्टूडेंट को मैं ज़रा एक्टिवेट कर लूँ ना, स्टूडेंट प्रोग्राम को, इसको वापस मैं एक्टिवेट करता हूँ। वही जो हमारी सिंपल एग्जाम्पल है, ये इक्वेशंस अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इन वेरिएबल्स की ये ना कोई इशू कर दें, इनको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा जी, वो जो हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, सबसे सिंपल, ठीक है, व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी इफ जी इज 3, ठीक है जी। ये जो हमारी अब ये देखें, ये इक्वेशंस कैसे बन रही हैं, वो जो मैंने आपको बताया ना कि आपने लिस्ट ऑफ टोकन्स की बजाय आपने वो करना है। देखें इनपुट, तो पहला जो इनपुट सेंटेंस उस ले लिया ना, दो सेंटेंसेस है इसमें ऑफ जो है ये ख़त्म हो गया, व्हाट इज़ ट्वाइस, तो ये अगर आप ये यहाँ पे जो है आपने ऐसे लिखना है, इनपुट इज दिस स्ट्रिंग, पैटर्न इज दिस स्ट्रिंग, पैटर्न इज दिस स्ट्रिंग, आउटपुट इज रिस्पॉन्स इज दिस
लेस्ट, ये भी है स्ट्रिंग के अंदर ही है, लेकिन हमने इसमें जान के पैरेंथेसिस बाहर से डाल दी। बाइंडिंग्स को अलबत्ता आप चाहें तो लिस्ट ऑफ टोकन्स के फॉर्म में यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन इनपुट इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस वाले फंक्शन में ये टू इक्वेशन स्ट्रिंग की कॉल जो है ये मैं हटा दूँ, ठीक है, तो फिर जो है फिर हमें वो ओरिजिनल चीज़ नज़र आएगी। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ जो ओरिजिनली पास हो रही है, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से जो है ये मैं हटा देता हूँ, टू इक्वेशन स्ट्रिंग जो है ये मैं हटा देता हूँ, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाली बात। पैटर्न में भी मैं इसे भी हम हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। खाली ये जो देखें ना, ये जो इनपुट है ना, जब आप पेपर पे सॉल्व करेंगे ना खुद से हाथ से, तो देखें चले मैं दोनों को ही एक्टिव रहने देता हूँ कि दोनों को देख लेते हैं। इनपुट इस ये टू इक्वेशन स्ट्रिंग की मदद से कैसे नजर आ रहा है, और इस तरह से आप दोनों तरह से लिख लें, नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप जो है आप देखेंगे दोनों तरह से हमने जो है लिख लिया है। आपने लिस्ट ऑफ टोकन्स की बजाय ये देखें, ये पहला इनपुट जो मैंने कहा टू इक्वेशन स्ट्रिंग अप्लाई होके, ये स्ट्रिंग ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, सॉरी ये वाला ये ज़्यादा कन्वीनियंट है बजाय इसके कि आप इसको ऐसे लिखें व्हाट इज ट्वाइस स्क्वायर जी, इसकी बजाय लिस्ट ऑफ टोकन्स की बजाय ये पैरेंथेसिस, ये कोड डबल कोड तो हमने खुद से डाले हुए हैं, ये जो डबल कोड डाले हैं ये बेशक ना डालें, अगर आप इस तरह भी लिखते हैं ना तो इतने सिंगल कोड्स हैं इसमें, इतने सिंगल कोड्स हैं और कामा सेपरेटेड हैं, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। और ये जो ऊपर वाला इनपुट सेंटेंस है, ठीक है, इस तरह लिख दें दोनों तरह से, ठीक है, नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। दिस माइनर पॉइंट इज सो इम्पॉर्टेंट कि जब स्पेशली जब फाइनल एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो फेस टू फेस एग्ज़ाम होता है उसमें जब 3 घंटे का क्वेश्चन होता है तो 1 घंटा पूरा स्टूडेंट की ट्रेसिंग पे लगा देते हैं, प्रोसेस सारा आता है, सिर्फ ये कामा फुल स्टॉप ये कामा सिंगल कोड लिखने में जो है 1 घंटा स्टूडेंट लगा देते। तो आपने जो है ये टोकन्स की बजाय यहाँ पे आपने इनपुट के लिए, ठीक है, रूल के पैटर्न के लिए, रिस्पांस के लिए आपने जो है वो टोकन्स की बजाय हमने स्ट्रिंग्स लिख दिया। हाँ, बाइंडिंग में आप टोकन लिखना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो है, अब अगर बाइंडिंग में आप इसकी वैल्यू वो करना चाहते हैं तो फिर हमें जो है वो थोड़ा लूप लगाना पड़ेगा कि वैल्यू के ऊपर जो है वो टू इक्वेशन स्ट्रिंग जो है वो अप्लाई हो जाए। अगर अब इसकी वैल्यू कभी यहाँ पे ट्वाइस स्क्वायर जी लिख देते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में तो मार्क्स फिर भी डिडक्ट नहीं होंगे जी, ठीक है। अगरचे हमें कोड में थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करने, रिस्पांस को जो है वो प्रिंट करने के लिए, सॉरी बाइंडिंग की वैल्यू को, अभी तो ये यहाँ पे खाली बाइंडिंग प्रिंट हो रही है ना, ठीक है, उसमें सारे वेरिएबल और वैल्यूज आ रही हैं, ये देखें ये लिस्ट ऑफ टोकन्स है, इंटरनली तो लिस्ट ऑफ टोकन्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक माइनर सा पॉइंट है जो मैंने समझा कि, और ये हमारा टू इक्वेशन स्ट्रिंग का फंक्शन जो है उसकी फंक्शनैलिटी एटलीस्ट आपको पता चल गई है, ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम जो है स्ट्रिंग के तौर पे ही हम यूज़ करेंगे जी इसको, इनपुट को जो भी इनपुट आएगा। अच्छा जी, अब जैसे ये हमारा प्रोग्राम जो है हमने पैराग्राफ दिया व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी, और उसने जो है इसकी इक्वेशंस जो है वो बना दी हैं, ठीक है, जी एस थ्री एंड वट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी, ये दो इक्वेशंस उसने बना दिए। देखें वट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी, स्क्वायर ऑफ जी के लिए उसने मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो यूज़ कर लिया। मैं ज़रा क्विकली सारी कॉल ज़रा कर लूँ वन बाई वन और फिर हम इसकी थोड़ी सी लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। ये कोड अभी हम थोड़ी देर में जो है ये वाली लाइन में ख़त्म कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फिर अगले इंशाल्लाह थ्योरी के लेक्चर में इसको हमने मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ज़्यादा हम इसकी अंडरस्टैंडिंग वहीं पे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो है ये करता हूँ कि स्टूडेंट प्रोग्राम को जो है इसको ये कॉल जो है इसको मैं रन करता हूँ, और जो स्लाइड्स में या जो लेक्चर नोट्स में हमारे वो हैं उनको जो है वहाँ से मैं जो है वो कॉपी कर लूँगा जी। तो स्टूडेंट प्रोग्राम को जी मैं रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट में मैं स्टेटमेंट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई है, अगला जो आपका लैब वर्क है ना, लैब वर्क 14 इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें जो है ये सारी स्टेटमेंट्स हैं ये गिवन है,
अच्छा जी, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ओहो, उसने सॉल्व एकदम से कर भी दिया। असल में वो एंटर का करेक्टर भी कॉपी हो गया था ना। स्टेटमेंट मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। ये वो स्टेटमेंट है, द एवरेज स्कोर इज 73। अच्छा, इसको ना यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, द एवरेज स्कोर इज 73। एक सेंटेंस की एक इक्वेशन बनेगी। मैक्सिमम स्कोर इज 97, उसकी एक और इक्वेशन। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मैक्सिमम स्कोर। ये वो सारा ट्रेसिंग का मैकेनिज्म है, इंशाल्लाह थ्योरी में हम इसे जो है मजीद अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये रूल्स जो हैं, ये आपकी इक्वेशन बनी है। दिस इज द फाइनल आउटपुट, एवरेज स्कोर इज 73। तो ये उसने इक्वेशन बनाई इंटरनली जो है, इंटरनली अगर आप देखें तो वो यहाँ पे आपको ट्रेसिंग में नज़र आ रही होगी, एवरेज इज 70। ये देखें, मैक्सिमम इज 97, ये आउटपुट है इंटरनल, ये आउटपुट है। आपने भी ऐसे ट्रेसिंग करनी होगी। कोड मैंने सिर्फ कॉपी किया है, रन सिर्फ कॉल्स पास कर रहा हूँ, तो ये मुझे ट्रेसिंग करके दिखा रहा है, ठीक है। जो आपने बाई हैंड करनी है, ये प्रोग्राम जो है ये उसकी ट्रेसिंग जो है ये मुझे दिखा रहा है। ये एवरेज इज 93, ये दूसरी मैक्सिमम इज 97, और ये व्हाट इज स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, ये जो है जो इक्वेशंस आज हमने उधर मैनुअली बनाई हैं वही ये काम जो है ये कर रहा है। और ये टू इक्वेशन स्ट्रिंग की मदद से ये हमें एज ए स्ट्रिंग जो है जस्ट इक्वेशंस जो है वो नज़र आ रही हैं, और ये बिल्कुल वही है जो इधर, जो बात इधर यहाँ पे, ये एक ही सेंटेंस को मैंने मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट कर दिया ना, जो बात इधर इंग्लिश में कही गई है वो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कही गई है। अभी सॉल्व वाले मॉड्यूल को कमेंट किया हुआ है मैंने, तो फिर उसका कोड भी इंक्लूड करेंगे, वो कोड थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, वो कोड भी इंक्लूड करेंगे, तो फिर जो है ये सॉल्व इक्वेशन भी जो है ये हमें आउटपुट जो है वो शो करेगा। अच्छा जी, क्विकली ज़रा आगे चलते हैं, अगली दोबारा रन करते हैं जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, या आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से भी आप स्टेटमेंट्स टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि फिर आपको जो है वर्डिंग का ख्याल रखना होगा, स्पेशली किसी भी वेरिएबल बनाने के लिए जो पहला वर्ड है वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो सेम होना चाहिए, आपका पहला वर्ड जो है वो आपका सेम होना चाहिए जी। अच्छा जी, अभी जो है मैं यहाँ पे जो है पाइथन में इसको मैं कॉपी करता हूँ। आई होप कि पाइथन स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे उसने इक्वेशंस बना दी। इधर भी मैं कॉपी कर दूँ ताकि वो क्या स्ट्रिंग जो है वो पास हुआ था। ये देखें जी, टॉम एज इज ट्वाइस ऑफ मैरिज एज, यहाँ पे आ गया टॉम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैरिज एज, ठीक हो गया। जेम्स एज इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैरी एंड टॉम एज, जेम इज इक्वल टू, ये देखें डिफरेंस लिया फिर उसका हाफ लिया। ये आपके सामने प्रोग्राम बना रहा है जी, प्रोग्राम कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा जी, मैरी इज 18 ईयर्स ओल्ड, मैरी इज इक्वल टू 18। हाउ ओल्ड इज जेम्स, हाउ ओल्ड इज जेम्स, तो ये हाउ इज इक्वल टू जेम्स, ये उसने चारों इक्वेशंस बना दी। एंड दीज आर करंटली अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड क्यों है, क्योंकि इनमें वेरिएबल की वैल्यूज अभी नहीं मालूम, सिर्फ मैरी की मालूम है, फिर उसकी वैल्यू रिप्लेस होगी, वो सारा साल का प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब लेकिन ये देखें कि ये इक्वेशंस उसने बना दी हैं, इक्वेशंस बना दी हैं तो फिर आप उसे सॉल्व भी कर लेगा प्रोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट लैब में सॉल्व को भी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो कैसे बना रहा है इक्वेशंस, रूल्स को मैच करके, ठीक है। जो ही इंशाल्लाह दूसरे सेशन में हमें टाइम मिलता है ना, तो जो सिंपल वाली एग्जाम्पल थी ना वो जो है वो मैं, या कोई सी भी एग्जाम्पल हम जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रेस करेंगे उसे, ठीक है। और थ्योरी के लेक्चर में उसे हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से ट्रेस करेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से ये इक्वेशंस जो है ये बना रहा है, ठीक है। ये देखें, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है ना आपकी, एंड दीज आर नॉट जस्ट फॉर शोइंग, बट दीज आर एक्चुअली, दीज स्टेटमेंट्स विल बी, इक्वेशंस विल बी एक्चुअली इवेल्यूएटेड, एग्जीक्यूटेड, दीज इक्वेशंस विल बी सॉल्व, ठीक है ना। तो ये खाली शो करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सॉल्व भी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं, दोबारा रन करते हैं, अगला स्टेटमेंट जी पिक करते हैं। जितनी भी हमने आज स्टेटमेंट्स डिस्कस की हैं और हमने मैनुअली जो है वो बनाई हैं,
ये वाली स्टेटमेंट फर्स्ट आपके ऊपर जो है, ये तीन स्टेटमेंट इसकी बननी चाहिए, ठीक है। ये परसेंट लेस देन जो है, परसेंट लेस देन का जो है ये रूल जो है वो आना चाहिए। ये तीन इसकी स्टेटमेंट बनी है, वो खाली, ये देखिए ये इनपुट खाली स्टेटमेंट है, खाली इक्वेशन भी बन जाती है, तो खाली इक्वेशन को हमने डिलीट कर देना, और ऐसे यहाँ पे खाली पैरेंथेसिस या खाली इक्वेशन जो है वो नज़र आ रही हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ये पहले द प्राइस ऑफ रेडियो इज 680 रुपीज़, यहाँ पे प्राइस ऑफ रेडियो इज 680, देखें प्राइस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए, ऑफ ए तो नाइस वर्ड है, रेडियो वो भी इग्नोर हो गया, खाली प्राइस का कंक्रीट वर्ड जो है, सॉलिड वर्ड जो है वो आ गया। अच्छा, ये परसेंट लेस देन में से ना ये मार्क्स डिवाइडेड बाई वन माइनस वन, ये आपका 10 डिवाइड बाई 100, वो मैंने आपको बताया ना, इसको जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 0.1 10% जो बनता है, ठीक है, वहाँ पे 20% है, यहाँ पे 10% है, जो भी वैल्यू होती है तो उसको कॉमन ले के जो है यहाँ पे हम इधर वो लिखेंगे मार्क को, और फिर जो है उसको फिर आइसोलेट बाद में जब सॉल्व करेंगे फिर इसको हम आइसोलेट भी करेंगे, 680 इधर आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये आइसोलेट भी होगा। तो ये हमारे पास जो है मार्क प्राइस फाइंड करना है, ये तीन इक्वेशन देखेंगे, फाइंड मार्क प्राइस इक्वेशन, बिल्कुल सही एक्यूरेट इक्वेशन बन गई। अगली स्टेटमेंट जी मैं कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर हम इसके अलावा थोड़ा सा टाइम इंशाल्लाह भी मिलेगा तो जो आसान वाली होगी उसे हम समझेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम जो है थोड़ी बहुत रूल्स में नई मॉडिफिकेशन भी जो है वो हम करेंगे। अच्छा जी, इसे मैंने जो है तो कितनी इक्वेशन बननी है देखें, एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। अभी थोड़ा सा इसमें एक वो डिवीजन वाला इशू, खैर वो तो जब सॉल्व करेंगे तो तब पता चल जाएगा, चार इक्वेशन बननी है। ये वो इक्वेशन हैं जो आपने मुझे जो है वो बताई थी, एक्स प्लस वाई, इधर ये टोकन्स की फार्म में है जो एक्चुअल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले करने के लिए नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जो है ये डिस्प्ले हो रही है। चार इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी माइनस फाइव, इक्वल टू जी माइनस फाइव, ये स्क्रिप्ट मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। एरर जो है वो तभी आता है जब आप घबरा जाते हैं ना, तो प्रोग्राम को पता चल जाता है कि आप जो है घबरा गए हैं, एम्फसी, फिर जो है वो एरर आ जाता है। एरर जब आए तो एरर मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, एरर मैसेज जो है वो पढ़ते हैं। यही स्क्रिप्ट जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ ना, ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कुछ पोर्शन कमेंट करता हूँ, पहले स्टूडेंट को कमेंट करके इक्वेशन टू स्ट्रिंग को जो है, हाँ इंडेंटेशन एरर आ गया फिर तो बहुत मसला है, फिर पाइथन में कम अज़ कम मसला है। लैब वर्क जो है, लैब वर्क मौजूद है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करें, मैंने तो अभी आपके सामने कॉपी पेस्ट किया, आई मीन उसमें इंडेंटेशन का एरर आ जाता है ना, तो मुझे भी टाइम लग जाता है फिर, तो ये लैब वर्क LMS पे मौजूद है, वहाँ से कॉपी कीजिएगा। और ये स्क्रिप्ट अभी मैंने इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लैब ये स्क्रिप्ट मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो अगर इवन इंडेंटेशन का भी एरर आता है तो फिर आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप उसे जो है वो तभी सॉल्व कर सकते हैं जी। ये इंशाल्लाह याद कीजिएगा, मुझे 5-10 मिनट जब रह जाएं, फाइनल कंप्लीट स्क्रिप्ट जो है वो हम शेयर कर लेंगे। अच्छा जी, इनका आउटपुट मुझे ऊपर स्क्रिप्ट में डालने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ये ट्रेसिंग वगैरह जो है कि ये इक्वेशन जो है ये कैसे बन रही हैं जी, इधर आप कहते हैं तो डाल देता हूँ, लेकिन जब आप इंशाल्लाह रन करेंगे तो फिर जो है ये सारी ट्रेसिंग, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सारी ट्रेसिंग जो है ये कैसे हो रही है,